Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are going to discuss today about the tissue, and this is a video lecture number 13. I hope you have already watched part 1 to part 12 before watching part 13. And today we are going to discuss about the nervous tissue. So it is a request that you should watch all prior lecture before watching this lecture so that you will be able to understand it in better way. तो नर्वस टिश्यू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और नर्वस टिश्यू क्या है और ये किस तरह से काम करता है. नर्वस टिश्यू बेसिकली जो होता है वो हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है, इसलिए इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है, बिकॉज कि ये कंडक्ट करता है क्या, मैसेज. किसके जैसे, इसके अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके जरिए ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है. और इस टिश्यू में कौन कौन से शामिल है, इस पूरी टिश्यू के साथ न्यूरॉन से जो जुड़े हुए सेल्स होते हैं और पार्ट्स होती है बॉडी का, उसमें होता है पूरा स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा होता है हमारा ब्रेन, और तीसरा जो होता है वो होता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं. और तीसरा जो इसके साथ होता है वो है बॉडी के नर्व्स. तो बॉडी के नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और जो है वो ब्रेन, ये तीनों मिल करके नर्व टिश्यू बनाते हैं और नर्वस टिश्यू कह सकते हैं. सो ये स्पाइनल कॉर्ड, नर्व और ब्रेन, ये सारे तीनों मिल करके नर्व टिश्यू बनाते हैं. आइए इसके बारे में लिखते हैं. नर्व टिश्यू व्हाट डू, फर्स्ट थिंग व्हाट डू, इट ट्रांसमिट द मैसेज, ट्रांसमिट द मैसेज, मैसेज वेयर, टू द ब्रेन, टू द ब्रेन, ब्रेन को मैसेज ये ट्रांसमिट करता है. दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिव टिश्यू, कंडक्टिव टिश्यू, राइट, कंडक्टिव टिश्यू भी इसे कह सकते हैं क्योंकि ये मैसेज को ट्रांसमिट करता है. अब सवाल है कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं. तो इसके जो पार्ट हैं उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, इसमें है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, राइट, इसमें है ब्रेन, और इसमें है एंड नर्व सेल्स, नर्व सेल्स आर ऑल टुगेदर फॉर्म नर्वस टिश्यू. अब ये सारी चीजें तीनों मिल करके मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, ये बात आपको पता चल गई है. सो कंपोजिशन ऑफ ऑल दिस थ्री विल मेक इट व्हाट, दिस इज ए नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू ये तीनों मिल करके बनाते हैं. अब सवाल है कि मैसेज किसके जरिए भेजाते हैं, तो हाईली स्पेशलाइज्ड, इट हैज हाईली स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल, नर्व सेल यूनिट, नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स कॉल्ड न्यूरो, इट हैज न्यूरॉन्स, सो इट हैज इट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स, राइट. न्यूरॉन्स की क्या है कि न्यूरॉन्स क्या क्या करता है, न्यूरॉन्स क्या करता है, ये सवाल है कि अब ये न्यूरॉन्स किस तरह से मैसेज पहुंचाता है. ये जो न्यूरॉन्स हैं इसकी एबिलिटी है, एबिलिटी टू रिसीव द स्टिमुली, स्टिमुली एंड कंडक्ट, कंडक्ट मतलब सेंड, सेंड द इंपल्सेज, इंपल्सेज दैट इज सिग्नल्स, इंपल्सेज दैट इज सिग्नल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सिग्नल्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो है ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को आप इम्पल्सेज को किसी भी तरह की स्टिमुली होती है, जैसे आपके यहाँ पे किसी ने पिंच कर दिया तो यहाँ स्टिमुलेशन होगी, इस स्टिमुलेशन को रिसीव करता है, यहाँ अंदर न्यूरॉन फैले हुए हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ब्रेन तक जाता है और ब्रेन को ये मैसेज देता है, अपने कंडक्ट करता है इसके जरिए कि यहाँ पे किसी ने कुछ ऐसी हरकत हुई है जो आपको पसंद है या पसंद नहीं है, कुछ भी, बट यहाँ पे कुछ हुई है,
तो ये स्टिमुली कहाँ से लेता है? इट कैन गेट स्टिमुली फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड, विद इन बॉडी और आउटसाइड बॉडी, इवन बाहर से भी कुछ होता है तब भी उसका भी हरकत को पता करता है। तो ये स्टिमुली जो हो सकता है वो हो सकता है विद इन और आउटसाइड, इवन दिस स्टिमुली कैन बी विद इन बॉडी और आउटसाइड, दोनों तरह का हो सकता है। दोनों तरह के स्टिमुली को ये क्या करता है, ये कंडक्ट रिसीव करता है और रिसीव करके इस मैसेज को स्पाइनल कोड के जरिए ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि एक न्यूरॉन को आपने मैसेज दिया और न्यूरॉन खुद जो है वो लेकर के मैसेज और चला जाता है वहां तक, स्पाइनल कोड के जरिए लेकर के ब्रेन तक चला जाता है। इट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रैवल फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ट्रैवल फ्रॉम न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को देता है और इस तरह से मैसेज की ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसफर की मैसेज की ट्रांसफर किस तरह से होती है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, राइट ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है। अब इसके कुछ बॉडी पार्ट्स के बारे में भी हम समझे कि ये पूरा का पूरा जो नर्वस टिश्यू है वो किस तरह का है और उनकी बॉडी पार्ट्स में और कौन कौन से हैं, यानी न्यूरॉन्स अकेले ही है कि क्या इसके कुछ और भी जो है इसके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, मतलब इसके कुछ और भी पार्ट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस मैसेज ट्रांसमिशन में। आइए इसको भी समझते हैं। सो ईच न्यूरोन हैज थ्री पार्ट्स, यू कैन राइट हियर, ईच न्यूरोन हैज थ्री पार्ट्स, ईच न्यूरोन न्यूरोन हैज थ्री पार्ट्स, राइट, ईच न्यूरोन हैज थ्री पार्ट्स, व्हाट आर दोज, फर्स्ट इज साइटोन और सेल बॉडी, सेल बॉडी ये एक पार्ट है जो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये सेल बॉडी है या साइटोन, इसको कहते हैं सेल बॉडी और साइटोन। ये बेसिकली जो होता है वो कैसा पार्ट है, ये पूरा स्टेन है, डार्क स्टेन पार्ट, दिस इज कॉल्ड डार्क स्टेन, डार्क स्टेन स्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये पहला पार्ट है सेल बॉडी। अब ये क्या काम करता है उसको जरा समझते हैं, ये जो सेल, ये पार्ट है सेल बॉडी, वो क्या काम करता है। इट कंटेन्स द न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म अलोंग विथ some stained particles, ये इसको ये रखता है पूरी की पूरी चीजें। ये डार्क स्टेन पार्टिकल ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं और ये मेन बॉडी होता है सेल का, राइट ना। तो ये मेन पार्ट है, तो यहाँ सेल की जो है फंक्शनिंग होती है। जो दूसरा पार्ट है वो है डेंड्रोन्स, डेंड्रोन्स ये सेल से, सेल बॉडी से निकला हुआ स्मॉल पार्ट होता है जो डेंड्रोन्स होता है, और इसकी ब्रांच जो ये निकली हुई है, इन सारी ब्रांचों को डेंड्राइट्स कहते हैं। सो ये डेंड्राइट्स और डेंड्रोन्स, डेंड्रोन्स के ब्रांचेज को, द ब्रांचेज ऑफ डेंड्रोन्स, ब्रांचेज ऑफ डेंड्रोन्स, ऑफ डेंड्रोन्स, ड्रोन्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, राइट ना। सो दीज आर द ब्रांचेज व्हिच आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और इस तरह से जो तीसरा इसका पार्टनर है वो है एक्सन, ये एक्सन, ये क्या होता है, इट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल सिंगल प्रोसेस फ्रॉम सेल, जो सेल है, सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी से ये निकला हुआ एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस है। इट हैज यूनिफॉर्म डायमीटर, यूनिफॉर्म डायमीटर, ये यूनिफॉर्म डायमीटर होता है इनका, और
ये जो होता है वो इस तरह से एक्शन जो है ये क्या करता है, ये मैसेज को, इट टेक्स मैसेज अवे फ्रॉम द बॉडी, इट टेक्स मैसेज अवे फ्रॉम द बॉडी, मैसेज अवे फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, यानी मैसेज को रिसीव करने का काम कौन करता है, मैसेज को रिसीव करने का काम ये डेंड्राइट्स करते हैं, दे रिसीव रिसीव द मैसेज फ्रॉम सेल बॉडी, फ्रॉम सेल बॉडी, इनसे ये मैसेज रिसीव करते हैं और रिसीव करके और इनको दे देते हैं, ये जो है इनको दे देते हैं एक्शन को, और एक्शन उस मैसेज को लेके जाते हैं। जैसे ही एक आदमी किसी जगह से मैसेज रिसीव करे और रिसीव करके, जैसे मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में कोई काम करने वाला है, कुरियर जो है वो प्यून को दे दिया कि ये मैसेज ले जाओ, ये कुरियर ले लो, रिसीव कर लो और ले जा करके पोस्ट ऑफिस में डाल दो, तो वो क्या करेगा कि वो मैसेज रिसीव कर लिया, रिसीव करके और फिर किसी ऐसे आदमी को दे दिया जो पोस्ट ऑफिस जा रहा हो, और उसको ले जाने का काम दे दिया कि यहाँ ले जाके पहुंचा दो, या कुरियर बॉय को बुलाया और उसको दे दिया कि ये ले जाके आगे आप मैसेज पहुंचा दो। तो वन ऑफ देम इज रिसीवर, अनदर ऑफ देम इज कैरियर। तो एक आदमी मैसेज रिसीव करता है और दूसरा आदमी मैसेज को क्या करता है, कन्वे करता है। तो इस तरीके से मैसेज को रिसीव और कन्वे करने का काम ये दोनों मिल करके करते हैं, और यहाँ से मैसेज जो होती है सेल बॉडी है, चूंकि ये फंक्शन है, ये तो बेसिक फंक्शन है, तो यहाँ पे कुछ भी होगा तो उसकी पहली जो सूचना प्राप्त होगी वो यहाँ से होगी, फंक्शन यहाँ पे होगा, जो भी फंक्शन होगा सेल में होता है, और सेल में चूंकि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और बाकी सारी जो चीजें हैं वो सेल के अंदर है, तो फंक्शन का सबसे पहले पता इनको होता है, यहाँ से ये मैसेज को देते हैं, किसको देते हैं, डेंड्राइट्स को, और डेंड्राइट क्या करते हैं, उन मैसेज को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद वो क्या करते हैं, एक्शन को देते हैं, और एक्शन जो है उसको मैसेज को लेकर के आगे चला जाता है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको कुछ समझते हैं कि ये जो न्यूरोन है और नर्व टिश्यू है वो देखने में होते कैसे हैं और क्या काम करते हैं, राइट। तो ये देखते हैं कि ये जो है ये बहुत हाईली जो है क्विक रिस्पॉन्स टीम कह सकते हैं, पूरी की पूरी ये नर्व सेल्स हैं, और ये जो हमने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जा करके ब्रेन तक अटैच होता है, ये है एक्शन सेल बॉडी, एक्शन न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, जो यहाँ पे फंक्शनिंग कुछ भी अगर होती है सेल के अंदर तो यहाँ से जो भी एक्टिविटी और फंक्शन होती है सेल के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर हमने बताया कि सेल बॉडी में न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सारी चीजें तो आपको पहले से पता है, ये एक्शन जो है वो टर्मिनल है, ये मैसेज को जो होता है वो क्या करता है, वो यहाँ से बाहर ले जाता है, और ये जो ब्रांच्ड है ये सेल के प्रोसेस से निकल के आता है, ये ब्रांचेज को कहते हैं डेंड्राइट्स। तो इस तरह से मैसेज नर्व टिश्यू में पूरी तरह से, जितना भी आपने एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मसल टिश्यू के बारे में पढ़ा, ये सब की पूरी डिटेल आपने समझ लिया। आई होप ये चैप्टर अब खत्म करने की समय आ गया है और ये चैप्टर अब खत्म होता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, कीप सब्सक्राइब वॉचिंग एंड ऑल दिस वॉट टू डू। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखते हैं, अगली क्लास में जो कुछ भी होगा उस पर बात करेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और इसी तरह से हमारा चैनल देखते रहिए। आपको कैसा लगा ये भी आप लिखिए जरूर, कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो उसे भी आप जरूर बताएं हमें, राइट। और इस तरीके से आप हमें जो है वो जो भी फीडबैक देंगे उसके हिसाब से हम लोग बात आगे करेंगे, और आपको इसमें कहीं कोई कमी नजर आती है तो भी आप जरूर हमें बताएं, हम उसे आगे सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से टिश्यू का ये टॉपिक पूरी तरह से खत्म हुआ जो 13 वीडियो लेक्चर में इन्वॉल्व है, और आपको उम्मीद है कि ये 13 वीडियो लेक्चर देखने के बाद जो टिश्यू है उसमें की प्राइमरी नॉलेज जरूर हो जाएगी अच्छी तरह से, इससे ज़्यादा डिटेल नॉलेज करने की ज़रूरत अभी है नहीं, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आप हमें लिखेंगे तो मैं जरूर उस पर बात करूंगा, बट ये चूंकि प्राइमरी नॉलेज के लिए है इसलिए इसमें इतना ही नॉलेज काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।